तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास सिक्स का इंग्लिश ग्रामर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनर्स। देखिए डिटर्मिनर्स क्या है। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड बिफोर नाउन्स टू फिक्स और डिफाइन देम। नाउन आप सबको पता है, नाउन क्या होता है बताइए, कौन बताएगा, कोई भी एक बताए, सबको पता है मैम, डेफिनेशन बताएं। बिल्कुल वही पूछ रहे बेटा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। वेरी गुड। तो गौरव ने नाउन के बारे में बताया आपको। नाउन क्या है? नाउन ऐसे नेमिंग वर्ड्स हैं जिनमें कौन कौन आता है, पर्सन, पर्सन का नाम हो गया, या थिंग का नाम हो गया, किसी चीज का नाम हो गया, या किसी एनिमल का नाम हो गया, जानवर का नाम हो गया, किसी प्लेस का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, ये हो गया आपका नाउन। तो डिटर्मिनर्स क्या है आपके? डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स हैं जिनको नाउन के पहले यूज किया जाता है। आपने नाउन बताया, नाउन पता है सबको, नाउन के पहले किसी एक वाक्य में, नाउन के पहले। डिटर्मिनेशन आर वर्ड विच आर यूज बिफोर नाउन्स टू फिक्स और डिफाइन देम। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है किसी को पता है? डिटरमाइन होना या डिटर्मिनेशन होना क्या होता है? एक कहते हैं ना श्योरिटी या निर्धारण करना कि वो चीज है ही है, मतलब उसको निर्धारित कर देना, श्योर कर देना पूरी तरह से, होता है डिटर्मिनर या डिटर्मिनेशन, निर्धारित कर देना। तो अगर किसी नाउन के पहले आ गया डिटर्मिनर आ गया, डिटर्मिनर्स आ गए, तो वो नाउन जो है वो उस वाक्य में निर्धारित कहलाएगा, उसको फिक्स कर देगा वहीं पे वो वाक्य, वो वर्ड। फिर दे आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ड्स फिक्सर्स बिकॉज दे फिक्स द मीनिंग्स ऑफ द नाउन्स दैट आर प्लेस्ड आफ्टर देम। और डिटर्मिनर्स को इसीलिए फिक्सर भी कहा जाता है, वर्ड्स फिक्सर भी कहा जाता है, क्योंकि ये नाउन की मीनिंग को फिक्स कर देते हैं। डिटर्मिनर्स हमने आपको बताया निर्धारक, जो उसको एकदम तय कर देते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं, इसीलिए इनको वर्ड फिक्सर्स भी कहा जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए डिटर्मिनर्स एग्जैक्टली होता क्या है। ये आपके क्या हो गए? डिटर्मिनर्स हो गए। कौन से डिटर्मिनर्स? कॉमन डिटर्मिनर्स, जैसे अ, द, दिस, सम, ईच। ये आपके हमेशा वाक्य में अगर नाउन के पहले आ गए हैं तो जो नाउन की मीनिंग होगी वो एकदम निर्धारित हो जाएगी, क्योंकि ये डिटर्मिनर्स उसके पहले आ चुके हैं। तो अब किसी वाक्य में कैसे डिटर्मिनर का यूज होता है? दिस इज माय बुक, दिस आया और माय आया, दिस इज माय बुक, ये मेरी बुक है। तो डिटर्मिनर्स आ गया ना, दिस आया, माय आ गया, किसके पहले? बुक के पहले। बुक आपका नाउन है, बुक आपका कॉमन नाउन है ना, तो इससे पता चला है कि निर्धारित हो गया ये आपका सेंटेंस जो है, ये पूरी तरह से सर्टिफाई हो गया, फिक्स हो गया कि ये बुक मेरी है। बोला ना दिस इज माय बुक, तो वो एकदम श्योर श्योरिटी से कह रहा है कि ये बुक मेरी है। फिर आई सॉ अ वन आईड मैन, वन आईड मैन हो गया नाउन, और क्या हो गया? डिटर्मिनस हो गया। तो आई सॉ अ वन आईड मैन, आई, वन आईड मैन के पहले क्या आ गया? डिटर्मिनर आ गया अ।
तो उस वो क्या कह रहा है, मैंने एक वन आईड मैन देखा, तो इससे ये पता चल रहा है कि वो फिक्स एकदम श्योरिटी से कह रहा है ना, ये बात एकदम श्योर है कि मैंने एक आई मैन देखा. नेक्स्ट देखिए क्या है, ही विल गो बाय द राजधानी एक्सप्रेस. राजधानी एक्सप्रेस आपका नाउन हो गया, ट्रेन का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है ना. अगर किसी एक पर्टिकुलर थिंग की भी बात हो रही है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है. तो वी हाँ ही विल गो बाय द राजधानी एक्सप्रेस, वो किससे जाएगा, राजधानी एक्सप्रेस से जाएगा. तो यहाँ पे द जो है वो आपका डिटर्मिनस हो गया. तो इसपे भी आपका ये जो सेंटेंस है इसमें जो बात कही गई है ये फिक्स है. किसी को कोई दिक्कत हो रही है समझने में कि डिटर्मिनर्स होता क्या है, बताइए दोबारा आपको और बताएं. किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है बताइए एक बार. और क्या बताया हमने आपको डिटर्मिनर के बारे में, बताइए जैनब. कौन कौन से होते हैं डिटर्मिनर्स, वर्ड्स कौन कौन से हैं, कॉमन जो डिटर्मिनर्स हैं कौन कौन से हैं. ए द, हाँ ए द, दिस और मी मी, ये सारे आपके कॉमन डिटर्मिनर्स हैं, सम ईच ये सभी कुछ. तो अब काइंड ऑफ डिटर्मिनर देखिए, कितने काइंड है डिटर्मिनर, कितने प्रकार है, कौन कौन से प्रकार है आपके. सिक्स है डिटर्मिनर्स के प्रकार, कौन कौन से. सबसे पहला है आर्टिकल्स. आर्टिकल्स आपने पढ़ा है, आप सबको पता है आर्टिकल क्या होते हैं, बताइए कौन बता रहा है आर्टिकल क्या होते हैं. ये आप लोग ने केजी से पढ़ा है, 1, 5, 2, 3 सब में पढ़ा है, बताइए क्या होता है आर्टिकल. कौन बता रहा है, कोई एक लोग जल्दी से रिप्लाई किया करिए ताकि हम लोग आगे बढ़े. आर्टिकल्स क्या होते हैं, उल्लेख. नहीं बेटा, इंग्लिश में आर्टिकल्स पूछ रहे हैं. इंग्लिश में आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एन द, सब ने पढ़ा है ये बचपन से, अभी तक सब देखते आ रहे ए एन द आर्टिकल होता है. याद आया कुछ, हमेशा एन कब लगता है ये भी आप लोगों को पता है, कब लगता है, वोवेल के पहले. वेरी गुड वेरी गुड जैनब, वोवेल के पहले हमेशा एन लगता है. आर्टिकल आप लोग सब पढ़ते थे ना पहले से. Yes, ma'am. तो आपका जो आर्टिकल है वो भी डिटर्मिनर्स में आता है, वो डिटर्मिनर्स का एक प्रकार है. नेक्स्ट क्या है डिटर्मिनर, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, जिसमें क्या क्या आता है, दिस दैट दीज दोज एक्सेट्रा. उसके बाद पोजेसिव डिटर्मिनर्स, माय आर योर हिज हर देयर इट एट एक्सेट्रा. न्यूमरल, न्यूमरल समझ में आ रहा है ना, तो न्यूमरल मतलब क्या होता है, न्यूमरल मतलब नंबर्स, नंबर्स की बात होगी, गणनाओं की बात होगी. तो न्यूमरल डिटर्मिनर्स में क्या आता है, 1, 2, 2, एक्सेट्रा, ये सारे अगर वर्ड्स आ गए तो आपका ये न्यूमरल डिटर्मिनर का एग्जांपल है. फिफ्थ क्या है आपका, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स. क्वांटिटी भी पता है, क्वांटिटी की बात होगी अगर तो भार की बात हो रही है ना, वजन की बात हो रही है, कितना कितने मात्रा में उसकी बात हो रही है, तो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर हो गया. फिर लास्ट क्या है, इंटरोगेटिव डिटर्मिनर. इंटरोगेटिव डिटर्मिनर क्या होता है, इंटरोगेटिव सबको पता है क्या होता है इंटरोगेटिव, बताइए. अगर इंटरोगेटिव शब्द जुड़ा हुआ है तो वो कौन ग्रामर में वो क्या बताता है, इंटरोगेशन करना. क्या बेटा, जैसे आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है, इंटरोगेशन करना या इंटरोगेटिव क्या हो सकता है, ये बहुत इजी है, सबको पता होना चाहिए. सेंटेंस क्या होता है ये, वही तो पूछ रहे ना आपसे, बताइए.
इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स में जब कोई क्वेश्चन मार्क या कुछ पूछने की बात होती है तब इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स होता है। और इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स का एग्जाम्पल क्या है? विच, हूज, व्हाट एक्सेट्रा। क्वेश्चन मार्क की बात हो रही है जहां पर, वो इंटरोगेटिव में आ जाएगा। समझ में आया इतनी बात? इतनी बात समझ में आई सबको? फिर से एक बार आपको बताते हैं, डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स यानी कि निर्धारक, निर्धारक मतलब जो चीज फिक्स होती है, ये बात अपने माइंड में रख लीजिए। डिटर्मिनर्स का मतलब होता है निर्धारक या जो चीज फिक्स होती है। तो डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के जस्ट पहले यूज होते हैं। किसी भी वाक्य में डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स विच आर यूज बिफोर नाउन टू फिक्स या डिफाइन देम, उनको नाउन को फिक्स करने के लिए या नाउन को डिफाइन करने के लिए हमेशा डिटर्मिनर नाउन के पहले आएगा। समझ में आ गई इतनी बात? ये बात अपने माइंड में रख लीजिए, डिटर्मिनर मतलब निर्धारक या वर्ड फिक्सर भी इसको कहते हैं। ठीक, डिटर्मिनर्स के कितने काइंड होते हैं? सिक्स काइंड होते हैं, आर्टिकल, डेमोंस्ट्रेटिव, पोजेसिव, न्यूमरल, क्वांटिटेटिव एंड इंटरोगेटिव। ये आपके सिक्स काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स हो गए। अब आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल आपको मैंने बताया ए एंड द, तो ए एंड द में भी टू टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल। दूसरा क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनिट कौन कौन सा है? ए और एन। आपका ए और एन जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल है, लेकिन जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है। किसी को पता है इनडेफिनिट और डेफिनेट में क्या वो है डिफरेंस? बताइए मैम। दामे चीज, किसी चीज बाहर की चीज में दा लगता है, जैसे ताजमहल आया तो उसमें दा लगेगा। नहीं बेटा, देखिए बता ठीक रहे हैं, लेकिन वो उसका डेफिनेशन आपने गलत बताया। जैसे इनडेफिनिट को लेते हैं पहले। इनडेफिनिट क्या होता है? दे आर इनडेफिनिट बिकॉज दे डू नॉट रिफर और टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग। द पर्सन और अ थिंग इज नॉट स्पेसिफिक डिफाइंड और सो इट रिमेन्स इनडेफिनिट। जैसे किसी भी, अब जैसे कॉमन प्रॉपर नाउन होता है ना, जो कॉमन नाउन होता है वो किसी एक पर्टिकुलर के बारे में तो नहीं होता है, वो आप सब में आ जाता है, वो कॉमन आ जाता है। जैसे वुमेन हो गया, मैन हो गया, कोई भी प्लेस हो गया, कुछ भी हो गया। लेकिन जो डेफिनेट होता है उस, वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर स्थान या पर्टिकुलर चीज के बारे में होता है। वैसे ही इनडेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन या पर्टिकुलर थिंग के बारे में नहीं होता है, वो एक कॉमन चीज के बारे में या कॉमन पर्सन के बारे में होता है, किसी एक पे केंद्रित नहीं होता है वो। जैसे कि कौन कौन से वर्ड हैं बताते हैं आपको। आई सॉ अ गर्ल इन द पार्क, और अ गर्ल, जो अ गर्ल है वो क्या है? नॉट डेफिनेट है ना। अ गर्ल कौन गर्ल है वो पता नहीं, आपके क्लास की कोई भी लड़की हो सकती है, कोई भी बहन, किसी की भी बहन, किसी की भी, कोई भी हो सकता है ना। तो अ गर्ल तो कोई भी हो सकता है। तो I saw a girl in the park. तो girl के पहले कौन सा आर्टिकल आया है? I saw a girl in the park. यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आ रहा है? Noun के पहले कौन सा आर्टिकल आया है? मैम बताइए। मैम इन अ, ये आ हो गया आपका आर्टिकल, और गर्ल जो है ये क्या है? गर्ल को क्या कहेंगे? देखिए एक बात हमेशा नहीं, पर्सन तो है, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा ये बात। आप सबको पता है सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट विच मेक्स सेंस ना, जो ऐसे शब्द जिनसे मिलकर कोई एक मतलब निकले, वो सारा क्या होगा? एक वाक्य कहलाएगा। जैसे आई सॉ अ गर्ल इन द पार्क, और ये सारे जो वर्ड्स हैं, आई हो गया, सॉ हो गया, अ गर्ल इन द पार्क, ये सारे वर्ड जो है इनके अलग अलग फंक्शंस हैं, ये सारे अपने आप में अलग हैं, लेकिन इन सबको एक करने से एक सेंस निकलता है, हमें कुछ समझ में आता है। क्या समझ में आता है? कि मैंने एक लड़की को पार्क में देखा ना, सॉ हो गया
आपका सी का सेकंड फॉर्म हो गया, सो आई आपका क्या हो गया, आई भी एक तरह का नाउन है, गर्ल भी नाउन हो गया, इन इन दोनों को जोड़ रहा है, द पार्क भी एक तरह का कॉमन नाउन हो गया। तो ये सारे जो आपके वर्ड्स हैं इस वाक्य में, ये सब एक दूसरे में एक दूसरे को पूरा करना, एक मतलब बना रहे। अगर हमने लिख दिया द पार्क इन अ गर्ल सॉ आई, तो कोई मतलब बनेगा? नहीं मतलब बनेगा, तो वो आपका एक वाक्य नहीं कहलाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे एक प्रॉपर वाक्य बनाया जिसका एक मतलब निकल रहा है। तो हर एक वर्ड का अपना अपना फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग आर्टिकल की बात कर रहे हैं। तो इस पूरे वाक्य में आर्टिकल कहाँ पर है? के बाद जो हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे हैं वो कहाँ पर है? मैम सौ के बाद अ, ना सौ के बाद अ, आ गर्ल, गर्ल। अगर यहाँ पे हमने लिखा होता कि गर्ल ना लिखकर हमने किसी लड़की का नाम लिखा होता, जैनब लिख देते या कुछ लिख देते, तो यहाँ पे आ नहीं होता ना, आ होता है यहाँ पे। हम लिख सकते थे आई सौ और जैनब इन द पार्क, लिखते हैं से? नहीं लिखते ना, वो गलत हो जाता। लेकिन हम यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे हैं, अ की बात कर रहे हैं, और अ तभी आता है जब ये क्लियर ना हो, ये प्रॉपर नाउन ना हो, ये कॉमन नाउन। समझ में आ रही है बात? अब नेक्स्ट क्या है? अजय सेड ही वांटेड एन अम्ब्रेला। तो अजय सेड ही वांटेड एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला यानी कि किसी चीज की बात हो रही है ना, अम्ब्रेला एक नॉन लिविंग थिंग है, एन हमने लगा दिया यानी कि वो इनडेफिनेट आर्टिकल है, किसी पर्टिकुलर अम्ब्रेला का नाम नहीं ले रहा है, उसने बस कहा कि उसे एक अम्ब्रेला चाहिए। समझ में आ गई बात? और अम्ब्रेला में एन क्यों लगा है बताइए मैम? क्योंकि अम्ब्रेला यू से स्टार्ट होता है, यू वॉवल है। वेरी गुड, अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है, यू एक वोवेल है, हमेशा वोवेल के आगे हम एन लगाएंगे, ए का यूज ना करके हम एन का यूज करेंगे। तो ये भी आप जो एन है वो इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है ना, ए और एन, तो यहाँ पे हम इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आई इतनी बात? यस मैम। इतनी बात समझ में आई? जिसको नहीं समझ में आई वो पूछ सकता है, आप पूछेंगे तो दोबारा बताएंगे तो आपको शायद दोबारा में समझ में आ जाए। बताइए सबको समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं हम? यस मैम। तो आपका आर्टिकल में इनडेफिनेट आर्टिकल हो गया ए एन, अब डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट से समझ में आ रहा है कि डेफिनेटली से रिलेटेड लग रहा है ना ये वर्ड। तो डेफिनेट का मतलब होता है एकदम पक्का, जो जो बात एकदम सत्य है, सत्य है जिसको कोई बदल नहीं सकता, उसके साथ हमेशा हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? द। तो अब एक ये बात जो है, अगर हम सूरज के बारे में कहें, द सन सेट इन द वेस्ट, जो सन है वो हमेशा वेस्ट में ही सेट होता है, मतलब सनसेट जो है वो वेस्ट में होता है। तो ये बात कोई गलत कर सकता है इस बात को? ये बात हमेशा सच रहेगी ना। अगर हम नेचुरल थिंग की बात कर रहे हैं, सूरज की बात कर रहे हैं कि वो वेस्ट में ही अस्त होता है, तो ये बात तो एकदम सत्य है ना, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। कर सकता है कोई चेंज? सूरज को वेस्ट की जगह पे ईस्ट में आप सनसेट करा सकते हैं? नहीं करा सकते। नो मैम। इसीलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल कहा गया है। डेफिनेट मतलब जो चीज चेंज नहीं हो सकती। तो द सन सेट इन द वेस्ट, द सनसेट इन द वेस्ट, ये दोनों बातें आपकी सत्य हैं, सत्य हैं। फिर द लॉयर अपील टू द जज, लॉयर ही हमेशा जज के सामने अपील कर सकता है। आप में से कोई, हम में से कोई नहीं करेगा ना, जो कल्प्रिट रहेगा वो थोड़ी जाके कर देगा। तो जो द लॉयर अपील अपील टू टू द जज, द लॉयर, लॉयर भी कोर्ट में काम करता है और जज भी कोर्ट में काम करता है, तो ये दोनों बातें एकदम सत्य है। तो जो भी चीज डेफिनेट होगी उसके आगे हम हमेशा द लगाएंगे और इनडेफिनेट के आगे हमेशा ए और एन लगाएंगे। तो ये आपका डिटर्मिनर्स का पहला जो काइंड था, पहला प्रकार था आर्टिकल, वो हमने पढ़ लिया है। किसी को आर्टिकल में कोई दिक्कत हो रही है, डेफिनेट और इनडेफिनेट में या फिर आर्टिकल में कोई दिक्कत?
नो मैम एक बार चलिए इतना क्या समझाना है डिटर्मिनर समझाए कि आर्टिकल समझाए बताइए आर्टिकल देखिए हमने आपको बताया आर्टिकल्स आर्टिकल आप सबको पता है ए एन और द होते हैं हर टॉपिक का हर चीज का कुछ और भी प्रकार होते हैं ना पहला तो हो गया डिटर्मिनर्स डिटर्मिनर्स में आपके छह प्रकार आ गए जिसमें से पहला क्या हमने लिया आर्टिकल ले लिया अब आर्टिकल के दो और प्रकार होते हैं आर्टिकल के दो प्रकार कौन कौन से हैं एक इनडेफिनिट है दूसरा डेफिनिट है इनडेफिनिट मतलब जो चीज श्योर ना जैसे आई सॉ अ गर्ल इन द पार्क मैंने एक लड़की देखी पार्क में लड़की कौन है लड़की का नाम क्या है ये सब हमें कुछ नहीं पता हमने क्या कहा हमने एक लड़की देखी पार्क में अभी अगर यहाँ पे हमने आई सॉ द गर्ल इन द पार्क लिख देंगे तो ये सही कहलाएगा अगर हमने एक ही जगह पे इनडेफिनिट आर्टिकल की जगह पे डेफिनिट आर्टिकल द लिख दिया तो गलत हो जाएगा ना तो बात यही समझने वाली है कि आई सॉ अ गर्ल इन द पार्क गर्ल मतलब वो कोई भी गर्ल हो सकती है तो ऐसा नाउन जो कॉमन नाउन हो उसके बारे में अगर हम लिखेंगे तो उसके पहले हमेशा इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाएगा लेकिन जब प्रॉपर नाउन की बात हो रही है पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम की बात हो रही है तो हमेशा द लगेगा जैसे द सन द वेस्ट वेस्ट आपकी डायरेक्शन है आपको पता है वेस्ट डायरेक्शन है द सन एक सबसे बड़ा एनर्जी का स्रोत है आपको पता है तो उसके आगे हमेशा द लगाएंगे या फिर हमने लिख दिया द से और बहुत सारी चीजें द लॉयर लॉयर भी आपको पता है वही लॉयर जो कोर्ट में काम करता है द जज जज भी आपका एक डेफिनेट आर्टिकल का एग्जाम्पल है जितनी भी चीजें यूनिवर्सल ट्रुथ है और जो प्रॉपर नाउन में आता है उन सब के आगे क्या लगेगा द लगेगा ठीक मैम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाँ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेरी गुड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द ही तो लगेगा ना सब में हमेशा जो यूनिवर्सल ट्रुथ है और जो प्रॉपर नाउन में आते हैं उनके आगे भी द लगेगा ठीक समझ में आया आर्टिकल देना मैम हाँ मैम मैम एक बार इनडेफिनेट समझा दीजिए इनडेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल वही है अभी यही तो बताया ना बेटा इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब आई सॉ अ गर्ल इन द पार्क गर्ल यानी कि कोई भी लड़की हो सकती है आई सॉ अ गर्ल अ गर्ल मतलब कोई भी लड़की दूसरा एग्जांपल देखिए अजय सेड ही वांटेड एन अम्ब्रेला एन अम्ब्रेला अम्ब्रेला कॉमन नाउन में आ जाता है अम्ब्रेला एक थिंग का नाम है ना अम्ब्रेला आप पहले नाउन और कॉमन नाउन के बारे में समझिए जो अम्ब्रेला है वो किसी एक स्पेसिफिक अम्ब्रेला की बात नहीं हो रही है कोई भी अम्ब्रेला अजय क्या कह रहा है अजय सेड ही वांटेड एन अम्ब्रेला अजय कह रहा है कि मुझे एक छाता चाहिए वही वाला छाता चाहिए या ये वाला वो वाला ये नहीं बोल रहा है वो उसने कहा कि मुझे एक अम्ब्रेला चाहिए तो जिस चीज में कोई स्पेसिफिक चीज की बात ना हो रही हो वो आपका इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है और उस नाउन के पहले हमेशा ए और एन लगेगा लेकिन जो डेफिनेट बात हो जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो जैसे सन हो गया वेस्ट हो गया यूनाइटेड स्टेट हो गया या इंडिया हो गया तो इन सब के आगे क्या लगेगा द लगेगा ठीक तो आपकी ये क्लास यहीं से एंड करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स को कंटिन्यू करेंगे और आप लोग इसको सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा घर पे बैठ के ये ग्रामर को पढ़ते रहिए अगर आप खुद से पहले पढ़े रहेंगे तभी आपको मेरी बातें क्लियर होती जाएंगी नहीं तो पहले का कुछ याद ही नहीं है आगे का कुछ नहीं समझ में आएगा फिर ठीक नाउन प्रोनाउन ये सब आप लोग देख लीजिएगा एक बार थैंक्स स्टूडेंट्स